एवरीवन, सो दो तीन दिन पहले मैंने इंस्टा पे एक पोल डाला था ये वाली टॉप को लेकर के। तो आप लोगों ने देखना चाहा था ये वाला टॉप की कटिंग और स्टिचिंग, तो आज मैं आपके साथ ये वाली टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्यारा सा टॉप मैंने बनाने के लिए 1.5 मीटर यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है। तो यहाँ जो मेरे फैब्रिक का अरज है काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर ही फैब्रिक यूज़ किया है। अगर आपका अरज इतना ना हो तो आप 2 मीटर तक फैब्रिक लें। तो यहाँ साइड में मैं मेज़रमेंट डाल रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने टॉप को बनाया है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अपने टॉप को बनाते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे पहले, ताकि हमें मार्किंग कर सके आराम से। उल्टा करके एक बार हम इसे टू फोल्ड करके यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। तो एक बार इसे सेट करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और उतने ही कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे जितना कि हमें ज़रूरत हो। तो बस्ट एरिया आप अपना माप लें, तो मेरा 36 इंच है, 36 का 4/9 इंच होता है और उसमें हम 2 इंच यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे 4 फोल्ड हिस्सा को मापेंगे। तो हम 11 इंच यहाँ पे इसे लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए 11 इंच लगभग आ रहा है, इतना ही कपड़ा की हमें ज़रूरत है अभी। तो इसे एक बार 4 फोल्ड कर लेते हैं और इसके बाद अब चलिए हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने कपड़े को एक बार सीधा कर लेते हैं इस तरह से और अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमें शोल्डर ले लेनी है 7 इंचेस का और यहीं से हम आर्म होल के लिए इसे मार्क करेंगे 7 इंच पे। तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच शोल्डर डाउन करनी है, इसलिए हम यहाँ पे आर्म होल 7 इंच ले रहे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे फिर हम आर्म होल का शेप दे देना है। मैं अपनी लेंथ तो अभी मार्क की ही नहीं, तो यहाँ से हम लेंथ ले लेने हैं 15.5 इंच इस तरह से मार्क करके। यहाँ पे भी आप एक बार सीधा लाइन ड्रॉ कर लें। अब हमें बस्ट और वेस्ट मार्क करनी है, तो जितना आपका बस्ट है उसका 1/4 हिस्सा लें और फिर उसमें 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लें। तो 9 इंच हमारा बस्ट लेना है और उसमें 1/2 इंच ऐड करने के बाद 9.5 इंच लेना है। वैसे ही हम वेस्ट के लिए 9 इंच वहाँ पे मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मार्जिन हम 1.5 इंच लगभग ले रहे हैं इस तरह से। तो इससे पहले कि हम आगे की मार्किंग करें, हमें अपनी ये जो मार्किंग हमने की है ना, इसे कट करके निकाल लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमने कट कर लिया। बचा हुआ कपड़ा से हम नीचे की जो फ्रिल है वो और हमारी स्लीव्स को निकाल लेंगे, तो वो हम आगे आगे बताते हैं। पहले इसमें हम अपने टॉप पार्ट को रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने मार्किंग करके इसे कट करके निकाल लिया। आर्म होल हमें फ्रंट के लिए हल्का सा अंदर से इस तरह से मार्क कर लेना होता है। अब हम यहाँ से नेक की मार्किंग कर लेंगे, तो नेक को हम ले लेंगे 3 इंच का और यहाँ से हम बैक नेक के लिए 3 इंच लेंगे और फ्रंट नेक हम लेंगे 8.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ से हम 8.5 इंच जहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे मार्क कर लेंगे और स्केल की हेल्प से यहाँ पे हम इसे वी शेप दे देंगे। नेक को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट नेक की भी मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर हमें इस तरह से कट कर लेना है और अब हम बैक पार्ट को हटा लेते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद फ्रंट को वापस से हमें इस तरह से सेट करना है और जो नेक की और आर्म होल की मार्किंग हमने लगाई है ना, वो हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब फ्रंट में हमें क्या करना है, इसमें अपनी जो डिज़ाइन हमने बनानी है ना वी शेप की, वो हम अब मार्क करेंगे। तो इसके लिए हमें नीचे की साइड से 3 इंच ऊपर इस तरह से एक मार्क लगाना होगा और इस मार्किंग को हमें, ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई हमने जहाँ मार्किंग लगाई है ना, वहीं तक हमें इस तरह से तिरछा एक मार्क लगाना है, ठीक है। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमने अपने टॉप का जो ऊपर का जो ब्लाउज पार्ट है ना वो हमने कट कर लिया है। अब इसके नीचे की जो फ्रिल है वो हम कट कर लेंगे। अपने बचे हुए कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। पहले हम फ्रंट और बैक दोनों के लिए अलग अलग से हमारा फ्रिल निकलने वाला है, तो सबसे पहले हम बैक साइड के लिए निकाल लेते हैं और फिर हम फ्रंट के लिए निकालेंगे। तो इसे हमने टू फोल्ड करके बिछा लिया है और बैक के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे बक 16.5 इंच लेंथ और इसे एक सीधी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। इसकी जितनी आपको फ्रिल रखनी है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसकी चौड़ाई रखें, ठीक है। तो एक बार वापस से मैंने माप लिया है और सीधी लाइन देने के बाद बैक साइड को हम कट कर लेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब इसी से हम अपनी फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो वापस से जो कपड़ा हमारा बचा है इसे हम फोल्ड करके वापस से बिछा लिया है हमने। अब हमें फ्रंट के लिए यहाँ पे 21 इंच यहाँ पे मार्क करना है लेंथ, ठीक है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट करके निकाल लेंगे। साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी आपका कट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए कि हमारा फ्रंट हिस्सा हमने कट किया और बैक हमने तो पहले कट कर लिया था। अब इसी पे हम अपने बैक वाले हिस्से को एक बार बिछाएंगे। ये देखिए इसी पे हमने रख लिया। एक बार अच्छे से हम इसे सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद जिस साइड हमारा बंद वाला साइड है ना कपड़े का, उस साइड से हमें इसमें तिरछा मार्क करते हुए नीचे तक जाना है बैक वाला जहां हमारा कपड़ा है। एक बार मैं आपको इस तरह से मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक, और फिर इसे भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का रहेगा। तो इस तरह से फ्रंट और बैक का जो फ्रिल है वो हमने मार्क करके कट कर लिया। नीचे से थोड़ा सा हम इसे सेट कर लेंगे और हमारा टॉप पार्ट लगभग रेडी है। स्लीव्स को भी हम बचे हुए कपड़े से सेट कर लेते हैं, एक बार कट कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ जो कपड़ा है ना इसे हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से है, तो आराम से हमारा स्लीव निकल जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। इसे हम इस तरह से फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव्स की टोटल लेंथ हमें रखनी है 24 इंच की, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, ये जो हमारा है ये हम लेना है लगभग 14 इंचेस का हम कट करेंगे स्लीव्स, और उसकी जो फ्रिल है वो हम लगभग 10 इंच तैयार करेंगे। तो ये हम एक बार माप करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए लगभग 14 इंच है। और अब हम इससे हम अपने स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो ऊपर से हम मार्क कर लेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से आर्म होल की जो गुलाई है 7 इंच हम एक बार ले लेते हैं और यहाँ पर हम स्लीव का शेप दे देंगे। नीचे की जो गुलाई है ना ये हम लेंगे 6 इंच का। इस तरह से हम लाइन मिला ले रहे हैं और मार्जिन यहाँ लगभग 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हैं इस तरह से। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे हल्का सा हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब नीचे के जो बचा हुआ कपड़ा हमारा थोड़ा बहुत जो बच गया है ना उसी से हम अपने फ्रिल निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो स्लीव्स है ए फ्रंट वाले साइड से हमें इस तरह से अंदर की साइड से कट लगाना होता है सेंटर से। तो ये हमने स्लीव्स कट कर लिया। अब नीचे की जो फ्रिल है हमारा ये कपड़ा अब जो बच गया था ना उसी से हम अपनी दोनों साइड की फ्रिल निकाल लेंगे। ये मेरा टू फोल्ड है, ठीक है। इसकी लेंथ हमने 10 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है 14 इंच लगभग रखी है। साइड से थोड़ा तिरछा कपड़ा है तो इसे भी हम कट कर लेते हैं, और ये सेंटर से जॉइंट है तो इसे भी हमने दो पीस में कट कर लेना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने बहुत ही इजी वे में अपने टॉप की कटिंग कर ली स्टेप बाय स्टेप। आपको कोई भी होप दिक्कत ना आया हो, तो कोई भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली। अब चलिए एक एक करके हम इसे स्टिच करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज वाले पार्ट को रेडी करेंगे, नेक को रेडी करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं ना, हम नेक के लिए वी शेप में हमें कपड़ा चाहिए, मतलब जो नेक को रेडी करना है। तो मेरे पास बचा हुआ कपड़ा नहीं है, बहुत ही कम है, तो इसके लिए मैंने दो पट्टी ले ली है इस तरह से। ये लग्स की चौड़ाई जो है 1.5 इंच की है और ये हमारा दो पीसेस में है। इसे हम इस तरह से रखेंगे और अब क्या करना है ना, इस तरह से नीचे की साइड को तिरछे शेप में हमें कट करना है। ये एक आपके लिए ट्रिक भी हो सकता है। तो इस तरह से तिरछा कट करने के बाद हम एक बार इसे सिल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने कट कर लिया। अब ये जब हम इसे खोलेंगे ना, तो ये कुछ वी शेप में आएगा। अब हम इसे अपने नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ हम अपने टॉप पार्ट को लेते हैं, फ्रंट वाले हिस्से को, और यहाँ पे हम अपने ये जो पट्टी हमने तैयार की है ना, इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे। जो सेंटर है, एक बार हम इसे सेट करके दोनों साइड में हम पिनअप कर लेते हैं ताकि आराम से ये हमारा सिल जाए। तो चलिए अब हम अपने रैक को सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से नेक की सिलाई लगा लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेंटर है ना, यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी सिलाई को बैठाते हुए ऊपर से एक सिलाई दे देंगे इस पर। कुछ इस तरह से। अब हम इसे बैठाते हुए अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल ही साइड पे हमें एक और सिलाई देनी है। ये देखिए, अब हम बैक साइड से इसे फिनिशिंग देने के लिए कपड़े को फोल्ड करके एक बार सिल लेंगे और उसके बाद इसे हम हाथ से तुरपाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बैक को रेडी करने के लिए मैंने बस 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है, क्योंकि ये सीधा पट्टी है तो आपका जो नेक है अच्छे से सेट नहीं होगा, इसलिए बहुत ही पतली सी पट्टी ले, मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है। और इससे अब हम नेक को वैसे ही 2 फोल्ड करके इस तरह से सिलेंगे। ध्यान रखें, कपड़े को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। इस तरह से हम इसे सिल लेंगे और इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है वो कट करके ध्यान से हमें यहाँ पे कट लगा लेना होगा, ठीक है। कट लगाने के बाद हम इसे एक बार इस तरह से ऊपर से बैठाते हुए सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसे उल्टे साइड पे पलट करके, मतलब फोल्ड करके अच्छे से एक बार फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये हमने देखिए बैक को अच्छे से रेडी कर लिया, कोई भी झोल नहीं आया है। अब हमने फ्रंट और बैक को इस तरह से सेट करके शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं जब भी सिलाई लगाऊंगी ना, तो मैं साथ ही साथ इसमें इंटरलॉक भी करती जाऊंगी ताकि हमारा जो धागा वगा है वो ना निकले। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं साथ ही साथ सब में इंटरलॉक कर लूँगी, जो मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। तो मैं दोनों साइड को इंटरलॉक कर लिया है और अब हम जो हमारी जो ये सिलाई है ना, इसे बैठाते हुए बैक साइड पर हम इसे मोड़ करके सिर्फ हमें नेक के पास यहाँ पर इस तरह से हल्की सी से सिलाई कर देनी है ताकि हमारा ये जो सिलाई है वो बैठ जाए। ये देखिए, ये हमारा रेडी। अब इसके बाद नीचे की फ्रिल हम रेडी करते हैं। तो बैक साइड को पहले हम रेडी कर लेते हैं। मैं एक एक करके आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। यहाँ पे बैक की फ्रिल बनाने के लिए हम अपनी मशीन की सिलाई को ढीला कर लेंगे और इसके बाद हम एक बार इसमें सीधी सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से बैक में लगा रहे हैं ना, फ्रंट में थोड़ा अलग होगा, तो आप एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा। तो ढीली सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो धागा है ना, दो धागा जो होता है इसमें से एक धागा आपको लेना है और इस तरह से इसे खींचते हुए हम इसमें पूरे में फ्रिल बनाएंगे अपनी जो टॉप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें फ्रिल रेडी कर लिया है और इसके बाद जो बचा हुआ जो धागा है ना, इसमें हम गांठ लगा लेंगे।
इसके बाद हम अपने टॉप को लेना है और बैक साइड को इस तरह से सेट करते हुए बैक की सिलाई लगा लेंगे दोनों को मिलाते हुए। ये हमने बैक साइड में अच्छे से अपनी फ्रिल को इसमें बैठा लिया, ठीक है। अब इसे हम इंटरलॉक कर लेते हैं। अब चलिए हम अपनी फ्रंट की जो फ्रिल है वो रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ पे ले लेना है। अब इसमें हमें फ्रिल कैसे बनानी है ये वो देखिए। जो सेंटर में हमने जो हमारा कोन निकला है ना, हमें यहाँ पे ढीली सिलाई वहीं तक लेके जानी है। ये देखिए, और ऐसे ही इसी के बगल से हम एक और सिलाई लेंगे। अब यही सेंटर से हम अपने दूसरे साइड तक इसी तरह से ढीली सिलाई कर लेंगे जैसे हमने एक साइड पे किया है। और सेंटर में जो धागा हमारा निकला है इसे हम एक बार इस तरह से गांठ लगा लेते हैं, क्योंकि एक एक करके हमें दोनों साइड की फ्रिल रेडी करनी है। तो दोनों जो हमारी सिलाई है ना उसकी एक एक धागा को हमें लेनी है और वापस से हम इसमें अपनी फ्रिल रेडी करेंगे। तो मैंने इसमें दो सिलाई इसलिए किया है कि आपकी जो जब आप इसे टॉप के साथ बैठा के सिलाई करोगे ना तो बहुत ही अच्छा से बैठेगा ये। ये देखिए, मैंने दोनों साइड पे फ्रिल रेडी कर लिया। आप जो सेंटर है पहले वो लेना है हमें, और हम अपने टॉप की जो सेंटर है वो हमें यहाँ पे बैठा के पहले सेंटर से हम इसे एक साइड पर सिल लेंगे, फिर ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड से सिलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम दोनों साइड को सिल लेते हैं। एक साइड तो हमने सिल लिया, दूसरे साइड को भी ऐसे ही हमें सिलना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और इसी टाइप की अगर आपको वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आगे भी आपके लिए इसी टाइप की वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमने देखिए ये दोनों साइड के फ्रिल को अच्छे से रेडी कर लिया है। फिटिंग से देने से पहले हम दोनों स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इसमें फ्रिल रेडी करके अपने स्लीव के साथ इसे बैठा लेते हैं। तो इसमें हम ढीली सिलाई नहीं करेंगे, इसमें हम साथ ही साथ इस तरह से फ्रिल बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए हाथों से ही। तो इस तरह से फ्रिल बनाने के बाद ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसे हम अपने स्लीव के साथ एक बार माप करके अब अपने स्लीव के साथ इसे बैठा करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम अपने दूसरे स्लीव को भी रेडी करने के बाद अब हम इसे अपने टॉप के साथ बैठाते हैं और स्टिच करते हैं। तो ये देखिए टॉप को हमने अच्छे से बिछा लिया। अब हमें अपने स्लीव का जो सेंटर है, अपने शोल्डर जो है हमारा सिलाई है ना शोल्डर का, वहाँ से बैठाना है और एक एक करके दोनों साइड को हम सिलेंगे। ये देखिए एक साइड को हमने सिल लिया, ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड को भी सिलेंगे। और इसी तरह से हम अपने दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। इसके बाद वापस से मैंने एक बार फिटिंग की मार्किंग इसमें कर ली है और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई देंगे। तो जो हमारी फ्रिल है ना, यहाँ तो हम बिल्कुल ही हाफ इंच से स्टार्ट करेंगे सिलना, और जहाँ हमारा फ्रिल ख़त्म होता है यहाँ पे तिरछा करते हुए हम इसे यहाँ तक अपनी फिटिंग तक मिलाएंगे और एंड तक हम इसे सिलेंगे। ये देखिए दूसरे साइड की भी फिटिंग हमने यहाँ पे दे दी है। अब आपको बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिक बताने वाली हूँ मैं। नीचे की साइड और स्लीव को हम फोल्ड करके सिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिलने के लिए ये वाली फुट को हटाने के बाद हमें अपनी पीको वाली फुट लेनी है, ठीक है।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आप पिको वाली फुट लगा लीजिए। तो यहाँ हम कोई पिको नहीं करने वाले हैं, यहाँ हम सिलाई ही करेंगे। तो सिलाई को आप नॉर्मल सिलाई पे ही रखिएगा और इस तरह से हम अपनी पिको वाली फुट में इसे लगा करके नॉर्मल सिलाई इस तरह से इसे करने वाले हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा सिलाई कर लूँ फिर आगे दिखाती हूँ। इसे जो आपके नीचे की सिलाई होगी ना बहुत ही महीनता के साथ होगी और देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको एंड में आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सिलाई हुआ है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स में भी सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक, सिलाई होने के बाद स्लीव्स पे भी हमने अच्छे से सिलाई कर लिया है। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आगे भी आपके साथ इसी टाइप की वीडियो शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।